ये तो अभी सो के उठी है, छुट्टी गई। इसने तो कुछ कहा ही नहीं। स्वैग मार के इसने बोला छुट्टी गई, छुट्टी गई। सो हम फिर से वापस आ चुके हैं, पहले की बातें भूल जाओ और हम शुरू करते हैं फिर से नया, नई एनर्जी के साथ, नए साल के साथ। ये कितनी गंदी एनर्जी है यार, मुझे नींद आ रही है। सो अभी फिलहाल हम कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया, उन्हें तो समझ आया एनर्जी के साथ, उन्हें लग रहा है कि तुमने टेबल लगाई है 1-2-1 सो अभी हम जा रहे हैं वृंदावन, जहाँ पे कृष्ण जी जो थे वो उन्होंने जन्म लिया था, वहाँ लिया था। अरे मतलब उसी नगरी में लिया था नगरी। तो हम अभी जा रहे हैं वृंदावन को एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ का खाना एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ के मंदिर जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। और हम पापा के साथ जा रहे हैं, मम्मी नहीं है। मम्मी नहीं इस बार, मम्मी बड़ी बोरिंग है। मम्मी देख रही है घर पे चांटे मारेंगे, जैसे कल मारे थे तुझे दो। मजाक कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल चलते हैं, आप रोड ट्रिप एंजॉय करिए, उसके बाद फिर वहाँ के मंदिर एंजॉय करिए, खाना एंजॉय करिए। चलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलो ठीक है, चलते हैं। क्या कहना चाहोगे, कहाँ जा रहे हैं? खैर आप ही ले जा रहे हो, आपको पता। वृंदावन। कहाँ? वृंदावन, बांके बिहारी जी। अच्छा, बताना जरा कृष्ण जी कहाँ पैदा हुए थे, हमें तो पता नहीं। मथुरा में। मथुरा में? हाँ। अच्छा, चलो। और कुछ नहीं? नहीं, बॉर्डर पार कर लिया। सो गाइस, अभी फिलहाल हम बॉर्डर पार कर चुके हैं दिल्ली का, दिल्ली से बाहर निकल चुके हैं और हम अपने रास्ते पे जा रहे हैं। और अभी फिलहाल बज रहे हैं 1:30 और हम अराउंड 2:30 के करीब खाना वाना खाएंगे, भूख लगती है यार, हम भी इंसान हैं। और भूमिका तो है जी सो रही है, वो तो सो रही है क्योंकि रात को वो सोई नहीं और मैं भी सोया नहीं था। मैं 4 बजे सोया था, मूवी वूवी देख के, 2-3 देखी, 4-4:30 बजे सोया, सुबह ही लगा लो अब। और अब मैं रेडी हो गया और मुझे नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी, वो बात अलग है, बाद में सो जाऊंगा मैं। लेकिन अभी फिलहाल नहीं आ रही। सो गाइस, अभी फिलहाल यहाँ आसपास कोई हमें धावा नहीं दिख रहा था, अब आगे फ्लाईओवर है तो हम अभी रुके हैं वेलकम सनी धावा पे। और आप सबको वेलकम सनी धावा की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं और खाना खा रहे हैं। और अभी फिलहाल ये सो के, हाँ मैं पार्टी में आया हूँ और ये सो के सोती रहती है बस, ठीक है अभी। So guys, मैंने करने का ब्लॉग कर लिया, मैं क्या ब्लॉग करूँ समझ नहीं। मैंने अरे कुछ, तो अभी हमने चाय वाय पी ली, चाय वॉज रियली नाइस। ऐसे लोकल जगह की रोड साइड चाय तो अच्छी होती है। और यार बस हाईवे पे दिस डजंट, मतलब ये गंदगी हर जगह, वाई पीपल शुड यू नो अंडरस्टैंड व्हाट द पॉइंट ऑफ डूइंग द स्वच्छ भारत अभियान इफ यू स्टिल डूइंग ऑल दिस शिट। अभी ना हम ना लेट गए कि हम थक गए, पता नहीं भूमि में दिख रही है कि नहीं दिख रही, ना ही देखा तो बैठा रहा। तो अभी फिलहाल पहुंचने वाले हम, कितनी यार पागल हो गए, पहुंचने वाले हम फिलहाल
40-35 किलोमीटर दूर होगा। ये बोल रहा है तू जब भी व्लॉग वो खोलता तो लोगों को बताऊंगा ना कि हम कहाँ पे हैं। वो बोलता है पहुंचने वाला है वो भी बोले भाई कब पहुंचेंगे। मांगी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा पापा से बात करने की तो ये है। यार वो कह रहे कोसे मुझे कोसे। अच्छा जगह का नाम कोसी है। अच्छा भाई निकल जा पापा से यहीं छोड़ दो। बना तो हम भी रहे अपने। मैं बना देता हूँ। व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले बनाए। ऐसे तो फिर शादी में जो वीडियो रिकॉर्डिंग वो व्लॉगिंग ही कर रहे हैं सबके। हम वृंदावन में आ चुके हैं। मेरो वृंदावन भूमिका भी कह रही है मेरो वृंदावन। तेरा है क्या? बोलो बांके बिहारी की जय 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 शिव शंकर। अगर आप यहाँ आते हो आगे से आएगा रास्ता। अच्छा आगे से। अच्छा हमें लगा है गाइस यहाँ पे रास्ता बंद है। बंद कर दिया रास्ता। पहले यहाँ खुला होता था। हम 6 साल पहले आए थे यहाँ पे। सो गाइस देखा जाए तो पहले से इन्होंने अब सही कर दिया है जो यहाँ पे रास्ता रोक दिया वृंदावन के अंदर जाने का। मेन मतलब मंदिर है यहाँ पे सब वगैरह चीज़ें। वृंदावन के अंदर एंट्री करते ही इन्होंने 2 पार्किंग्स बना रखे हैं वो सही कर दिया। क्योंकि अंदर अब जो पहले भीड़ मिलती थी गाड़ियों की वजह से जैम रहता था और ट्रैफिक रहता था अब वो नहीं मिलेगा। हम तो ये मानते हैं वो ना ही मिले और नहीं भी मिलेगा मेरे हिसाब से। तो हम यहीं खड़ी करेंगे हमने ये सोचा कि यहीं खड़ी करनी पड़ेगी अब तो। सो गाइस ये रही वो मल्टी लेवल पार्किंग। मैं कह रहा था मल्टी नेशनल पार्किंग पता है। भाई क्या चार्जेस। सो गाइस हम वृंदावन पहुंच चुके हैं। जस्ट पार्क की है गाड़ी और अब हम रूम लेने जा रहे हैं क्योंकि शायद हम एक दिन स्टे करेंगे हम यहाँ पे। हाँ। और हम बाकी बिहार जाएंगे प्रेम मंदिर जाएंगे और भी 2-3 एक जो देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। और अभी हम चलते हैं। और अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हाँ। तो अभी लाइक मारो सब्सक्राइब करो शेयर करो और नेक्स्ट के लिए वेट करो क्योंकि हम डालेंगे ठीक है। जो अभी हम जहाँ भी घूमने जाएंगे हम रिकॉर्ड करने वाले हैं तो वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अभी ये वाला व्लॉग यहीं खत्म हो रहा है। अब हम बाकी नेक्स्ट पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे तो वो देखते हैं। क्या समझाया कंफ्यूज कर दिया आपको। मैं जानता हूँ कंफ्यूज हो रहा। तूने कहा था मैंने ढंग से डिटेल में कैमरा खोल दिया। सो टिल देन कीप वॉचिंग कीप रॉकिंग बाय गाइस।